फरहान अख्तर ने लखनऊ सेंट्रल में अभिनय करने की रजामंदी इसलिए दी होगी क्योंकि यह एक बैंड आधारित फिल्म है। उन्हें इस तरह की फिल्में पसंद है और वे रॉक ऑन और रॉक ऑन 2 भी कर चुके हैं। उन फिल्मों में वे शहरी युवा किरदार में थे। यहाँ वे मुरादाबाद के रहने वाले किशन गिरहोत्रा बने हैं जो भोजपुरी गायक मनोज तिवारी का फैन है। बैंड को जोड़ा गया है जेल से, जहां एक प्रतियोगिता के लिए लखनऊ सेंट्रल जेल का बैंड तैयार होता है जिसमें कैदी परफॉर्म करने वाले हैं। कैदियों का प्लान है कि इस तैयारी की आड़ में जेल से भाग निकला जाए। एक हत्या के आरोप में किशन लखनऊ सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है और वहां वह बैंड बनाता है। उसके बैंड में दिक्कत अंसारी, विक्टर चट्टोपाध्याय, पुरुषोत्तम पंडित और परमिंदर शामिल है। किस तरह वे प्लानिंग करते हैं, क्या जेल से भाग निकलने में कामयाब होते हैं, यह फिल्म का सार है। आइडिया अच्छा था लेकिन इस आइडिया पर लिखी कहानी दमदार नहीं है। रंजीत तिवारी और असीम अरोरा द्वारा लिखी कहानी बहुत फार्मूलाबद्ध है। जैसे बैंड में अलग अलग धर्म के लोग हैं, जेल में कैदियों का आपसी संघर्ष है, फिल्म में एक हीरोइन भी होना चाहिए तो गायत्री कश्यप का किरदार भी रखा गया है जिस किरदार को ठीक से फिट करने के लिए सिचुएशन भी नहीं बनाई गई। फिल्म के लेखन में कई कमजोरियां भी हैं। किशन को जिस तरह से जेल में डाला गया और निकाला गया वो बेहद सतही है। जेल के अंदर का ड्रामा बेहद बोर है। किरदारों का परिचय कराने और बैंड की तैयारियों में बहुत ज्यादा फुटेज खर्च किए गए हैं। यह दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। समझ में नहीं आता कि मुद्दे पर आने में इतना ज्यादा समय क्यों खर्च किया गया। जेल के अंदर रहकर किशन और उसके साथी जेल से भागने की तैयारी करते हैं, वो भी विश्वसनीय नहीं है। लखनऊ सेंट्रल जेल का जेलर राजा श्रीवास्तव को बेहद खूंखार बताया गया है। वह यह बात सूंघ लेता है कि ये कैदी भागने की तैयारी में है, इसके बावजूद वह कड़े कदम क्यों नहीं उठाता समझ के परे है। किशन और उसके साथी बड़ी आसानी से कपड़े जुटा लेते हैं, नकली चाबी बना लेते हैं, कुछ धारदार चीजें प्राप्त कर लेते हैं। फिल्म अंतिम कुछ मिनटों में ही गति पकड़ती है जब ये कैदी जेल से भागने की तैयारी में रहते हैं, लेकिन तब तक फिल्म में दर्शक अपनी रुचि खो बैठते हैं और वे चाहते हैं कि फिल्म खत्म हो और वे सिनेमा घर की कैद से मुक्त हों। रोनित राय के किरदार को ऐसे पेश किया गया मानो वह खलनायक हो, जबकि वह पूरी मुस्तैदी के साथ अपने जेलर होने के फर्ज को निभाता है। हाँ, वह जेल में शराब जरूर पीता है लेकिन इसके अलावा कोई कमी उसमें नजर नहीं आती। किशन को बेवजह हीरो बनाने की कोशिश भी अखरती है। फरहान आम कैदी न लगते हुए भीड़ में अलग ही नजर आते हैं। गायत्री का किरदार मिसफिट है। फिल्म में कई बेहतरीन कलाकार भी हैं लेकिन रंजीत उनका उपयोग ही नहीं ले पाए। रंजीत तिवारी का निर्देशन औसत है। उन्होंने बात कहने में ज्यादा समय लिया है। फिल्म को वे न मनोरंजक बना पाए और न जेल से भागने का थ्रिल पैदा कर पाए। किसी किरदार के प्रति वे दर्शकों में सहानुभूति भी नहीं जगा पाए। कहने को तो ये एक बैंड की फिल्म है लेकिन संगीत बेहद कमजोर है। फरहान अख्तर का अभिनय औसत है। किशन के रोल में उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की। डायना पेंटी का किरदार ठीक से नहीं लिखा गया और वैसा ही उनका अभिनय भी रहा है। रोनित रॉय अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं। दीपक डोबरियाल, गिप्पी ग्रेवाल, राजेश शर्मा को ज्यादा कुछ करने का अवसर नहीं मिला। रवि किशन नाटकीय हो गए। कुल मिलाकर लखनऊ सेंट्रल एक उबाऊ फिल्म है। इस फिल्म को मैं 5 में से 1.5 स्टार देता हूँ।